I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and the CN Making. This is module number 52, and we are going to talk about that we have to be real, act with authenticity. Where have you come from? These are the concerns we are going to talk about in this module. And when we are talking about this module, we should be able to know, able to comprehend that there are certain aspects our leader should be bearing in his mind.

प्रोफेशनल स्टेटस वो क्या है और आप अपनी नजर में अपने लिए क्या मुकाम वो रखते हो सो यू हैव टू बी क्लियर इन योर थॉट्स एंड थॉट दैट हु यू एक्चुअली आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हु यू हुट टू बी वो गैप्स वो एस्पेक्ट्स जिनमें आपको ये लगे कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो क्या है बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड हर किसी को अपने कल को बेहतर बनाना है आज से और हमारा आज हमारे गुजरे हुए कल से वो बेहतर होना चाहिए सो so आप अपने बारे में क्या एनालिसिस करोगे कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स जिसमें आपको फर्दर इंप्रूव वो होना है सो हु यू वांट टू बी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न बिकॉज जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप मुस्तकबिल में किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो तो आपके लिए डिफाइन करना भी डिफिकल्ट होगा कि किन एस्पेक्ट्स का किन टूल्स का किन स्किल्स का किन सपोर्ट्स uh, का वो आपको जरूरत है इकवाइज वेयर यू हैव कम फ्रॉम अगर हम इस बात को थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट करना चाहें देर इज वन एक्सरसाइज जो आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप अपने आप को एक्सप्लोर वो कर सको और यह जान पाओ कि आपका ओरिजन वो कैसा है और कहां से है इस मकसद के लिए योर ऑथर एडवाइजेज इन द फर्स्ट एक्सरसाइज कि यू शुड बी एबल टू राइट अ क्रिटिकल स्टोरी अबाउट योर सेल्फ उस क्रिटिकल स्टोरी में आप यह बता पाओ कि आपके लाइफ के इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स कौन से थे जिन्होंने आपको शेप अप किया आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स वो कौन कौन से थे उनका इंपैक्ट आपकी जिंदगी पर क्या पड़ा वो कौन सी वैल्यूज में तब्दीली लेकर आए आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइफ कहां कहां पर और क्यों चेंज हुई इन बातों से रिलेटेड यू हैव टू राइट अ स्टोरी अबाउट योर ओन सेल्फ क्योंकि आपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम इंसिडेंट्स बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जहां पर हम प्योरली अपने बारे में सोच रहे हों। सो so, इस एक्सरसाइज में हमें मौका दिया जा रहा है कि हम अपने बारे में कुछ लिख पाएं, कुछ सोच पाए द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वेन यू आर राइटिंग दैट स्टोरी इज टू रिमेंबर दैट हु आर योर हीरोज हु इज दैट सम वन जिसको आप एडमायर करते हो और उसकी जात में किस करेक्टरिस्टिक को आप एडमायर करते हो that someone can be seen or heard that someone can be with you or that person might not be with you so what makes this person admirable to you what are the characteristics what are characteristics that person is your hero so once you are able to find out who you are what has shaped you in your life and who are your heroes and heroines and how have they inspired you

और जब आप उन मुकाम और डेस्टिनेशन के बारे में सोचो तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल एंड यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल स्परिटिव ये तीन मेजर डायमेंशन है जो एक शख्स की जात के साथ वाबस्था हैं और जब हम इन डायमेंशन के बारे में अपने आप को जान पाएंगे अपने फ्यूचर को जान पाएंगे अपने ड्रीम्स को जान पाएंगे अपने एम्बिशंस को, को जान पाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा उनको अचीव करना भी अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिंदगी में अपनी सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है अपने ड्रीम्स को समझना याद रखना और उनके बारे में कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है और यह तभी मुमकिन होगा वेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ थैंक यू